नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिल्मी लोग की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ साउथ की 6 बेहतरीन क्राइम ड्रामा रोमांस थ्रिलर पर बनी ये फिल्में। दोस्तों आज की सभी फिल्में एक से बढ़कर एक है और दोस्तों आज की सभी फिल्में हिंदी में यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। मगर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, इनमें से अधिकतर फिल्में अनऑफिशियल अवेलेबल है जो कॉपीराइट की वजह से कभी भी रिमूव हो सकती है, तो आप इन्हें जल्द से जल्द देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 6 पर आती 2022 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन क्राइम ड्रामा थ्रिलर वाली फिल्म डायरी, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में पवित्रा, मारिमिथु, अरुण निधि और जयप्रकाश के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो एक सब इंस्पेक्टर प्रसुक्सु 16 साल पुराने एक अनसुलझे मामले को ट्रैक करने के लिए यात्रा पर निकलता है, लेकिन वह कम ही जानता है कि भाग्य और नियति उसे एक लंबी यात्रा पर ले जाएगी। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिर अनऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 6 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.5/10 की रेटिंग मिली है। और इसके बाद नंबर 5 पर आती है 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा रोमांस वाली फिल्म गुब्बा गोरिंका, और इस फिल्म को हिंदी में लव वर्ड नाम से ऑफिशियल डब किया गया। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में सत्यदेव करचाणा, प्रिया लाल, हर्षणी, प्रिया दर्शी और सुभा राजू के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो एक महत्वाकांक्षी संगीतकार सिरिसा अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाती है और एक मैकेनिकल इंजीनियर सदानंद के पड़ोस में रहने लगती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और धीरे धीरे प्यार हो जाता है। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 5 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 4.9/10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 66% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 4 पर आती 2022 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा रोमांस वाली फिल्म अतिथि देवोभव, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में आदि, नवीना रेड्डी, रुवेक्षा और सप्तगिरी के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो एक आदमी मोनोफोबिया से पीड़ित है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वह अकेले रहने से डरता है और हर समय उसके आसपास कोई हो यह वो चाहता है, और इस प्रक्रिया में उसे वैष्णवी से प्यार हो जाता है। तब उसका फोबिया उसके रिश्ते में समस्या पैदा कर देता है। ऐसे नाजुक मुद्दों वाला व्यक्ति अपनी प्रेम कहानी को कैसे संभालता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 4 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.9/10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 94% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 3 पर आती है 2019 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा रोमांस थ्रिलर वाली फिल्म इनाई नो की पायुम थोड़ा, और इस फिल्म को हिंदी में फ्यूरियस जिगर वाला नाम से डब किया गया है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में धनुष, मेघा आकाश, शशि कुमार और सुसेना के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो एक कॉलेज के साधारण छात्र को एक अभिनेत्री लेखा से प्यार हो जाता है और दोनों एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं, लेकिन लेखा के अभिभावक कुवेरण उसे फिल्म में काम करने के लिए मजबूर करता है, जिससे लेखा और रघु का प्रेम संबंध टूट जाता है। सालों बाद उसे लेखा का कॉल आता है जो उसे उसके बिछड़े हुए भाई के बारे में बताती है। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 3 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.6/10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 82% लाइक मिला है। और इसके बाद नंबर 2 पर आती 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा वाली फिल्म पट्टास, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में धनुष, स्नेहा, महरीन पीरजादा और नवीन चंद्रा के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो शक्ति चेन्नई की एक जुग्गी बस्ती में एक छोटा सा चोर है जो अपने पिता बेलप्पन के भाग्य को पूरा करने के लिए आदिमुराई मार्शल आर्ट का प्राचीन और सबसे पुराना रूप सीखता है। इस बीच एक दुष्ट आदमी और उसका बेटा शक्ति को किंग बॉक्सिंग टूर्नामेंट के लिए चुनौती देता है और शक्ति इसमें भाग लेने के लिए सहमत हो जाता है। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 2 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.6/10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 73% लाइक मिला है।
और इसके बाद नंबर एक पर आती है 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा वाली फिल्म ओरे बुज्जीगा। और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राज तरुण, मालविका नायर और हेवा पटेल के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो माता पिता द्वारा अपनी शादी तय कर देने के कारण बुज्जी अपना शहर छोड़ देता है और कृष्ण वेनी भी हैदराबाद भाग जाती है। संयोग से वे दोनों एक ही ट्रेन में और एक ही डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। कृष्ण वेनी की मुलाकात बुज्जी से सीनू के रूप में होती है। जल्द ही एक दूसरे के हालातों से अनजान दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर एक पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग और गूगल यूजर की तरफ से 96% लाइक मिला है। दोस्तों तो ये थी साउथ की वे 6 बेहतरीन फिल्में। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।